हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यारियां टू का ट्रेलर लेके आ गए, जो मूवी सिनेमा घरों में आई है और मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि मूवी का नाम ही ऐसा है। पहले आई थी यारियां, अब यारियां टू आई है, तो मूवी का नाम ही ऐसा है यारियां। तो यारियां टू मूवी का ट्रेलर आ गया है, तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, इसके बाद में इसका रिएक्शन। तो ये भी बता दें कि ये टी सीरीज के निर्देशन में बनी, टी सीरीज फिल्म इंडस्ट्रीज में बनी हुई मूवी है। इस मूवी की जो कहानी ली गई है ना, वो मलयालम की ब्लैकबस्टर बैंगलोर डायरी से ली गई है, और ये मूवी राधिका राव और विनय सूद द्वारा निर्देशित है। कुलसन कुमार की सीरीज पे कोई दौड़ रहा है, शादी हो रही किसी, अरे दुल्हन आ रही है। फैमिली से फ्रेंड्स बनने का, फैमिली से फ्रेंड्स बनने का। कंजड़ी दुल्हन को मंडप तक लेके जाएगा, तुम इनकी शादी कर रहा है बर्बादी। गुड़गुड़ कौन आप? कैदी टू बी मिस दुल्हन पूरी तरह से मैं। एक पल मिले फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनने का, एक पल मिले बनोगे फ्रेंड से समथिंग सैड होने का, हो गए मुंबई, ये सब रो रहे हैं, याद करते हैं। कबड्ड की कौन सी साइड मिली है? ऐसे कबड्ड राइट साइड लूंगी, लेफ्ट अच्छा उनकी शादी हो गई, वो बाहर सूटकेस भर के ठूस है ना मेरे। मुझे तुझ से एक सवाल है, आज तेरा क्या ख्याल है, एक हो जाएंगे हम तुम दोनों, तुम मेरा जमानी है, रूह है पानी 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 पानी। यारियां गाना है सारी 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 राधिका राव में है। मूवी तो बहुत अच्छी है, इसमें कॉमेडी भी है, इसमें दिखाया जाता है कि कई लोग एक साथ रहते हैं, इसमें दिखाया जाता है उनके चचेरे और भाई होते हैं, कजिन भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं बहुत सारे लोग, और उसी में दोस्ती भी बना लेते हैं और बहुत मजबूत दोस्ती बना लेते हैं। उसमें दिखाते हैं वो उनकी नजर उतारते हैं। इसमें जो मुख्य कलाकार है उसमें दिव्या घोसला कुमार है, कृष्ण कुमार है, आयुष महेश्वरी है, यशदास गुप्ता है, प्रिया पी बीरियर है, मिजान जाफरी है, अनासर और राजन है, ये इसमें मुख्य कलाकार है। क्योंकि इसमें कई लड़के हैं, कई लड़कियां दिखाई जाती हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, वो कहते हैं हम कवर में 5 बैग भर के हमारा सामान है, हम लेफ्ट में रखें या राइट में रखें। तो ये मूवी बहुत अच्छी है। पहले ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कोई भाग रहा होता, ट्रेन छूट रही होती है, फिर दूल्हा अपना सेहरा उठाता है, तो कहते हैं कि लाइफ ने एक मौका दिया फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनने का। वो उसमें कहते हैं ना ट्रेलर में कि कजरी को तो मंडा तक लेके जाएगा, तू शादी कर रहा है कि इनकी बर्बादी कर रहा है। और जब वो पी लेती है और ऐसे ग्लास में डाल के कोल्ड ड्रिंक चस्का लेती है, वो कहती है रेडी टू गो, रेडी टू गो, वो कहती है हम रेडी है, तैयार है, चलो हमारे साथ। और फिर वो उनको ऑटो में बैठा के लिए जा रहे हैं दुल्हन को पूरे कपड़े में। बहुत अच्छी मूवी है, इसमें कॉमेडी भी है और सस्पेंस भी है, थोड़ा बहुत कॉमेडी ज्यादा है इसमें, और परिवार की कहानी है, चचेरे भाई बहन है, और उनको जिंदगी एक मौका देती है भाई बहन से दोस्त बनने के लिए और दोस्त से बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। 2014 में यारियां आई थी और 2023 में यारियां 2 आ गई। इसमें जितना ट्रेलर में देखने से पता चलता है कि प्यार दोस्ती और परिवार, इसमें तीनों चीजें दिखाई जाती हैं।
इसमें दिखाते हैं कि वो उनकी नजर उतारती हैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें दिखाते हैं कि दिव्या अपने भाई बहनों के साथ, चचेरे भाई बहनों के साथ मिलकर सिगरेट पीती हैं, बीड़ी पीती हैं और लहंगा पहने होती है, उनकी शादी होने वाली होती है और लड़का होता है, पहले शुरू दिखाया था कि लड़का होता है जिसकी शादी होने वाली होती है और फिर वो दुल्हन भागते हुए आती दिखाई देती है। तो ये मूवी यारिया 2, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी ना वो यारिया की थी और ये टी सीरीज बैनर तले बनी हुई है और दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कृष्ण कुमार, दिव्या और आयुष महेश्वरी, इन चारों का रोल बहुत दिखाया गया है इस टीजर ट्रेलर में। तो देखिए, ट्रेलर देखिए, फिर 20 अक्टूबर को मूवी देखिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। वैसे हमें ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, इस ट्रेलर में दिखाया गया कि प्यार, परिवार और संबंधों को तो एक साथ ला के जोड़ रही है, क्योंकि इसमें चचेरे भाई बहन भी हैं तो दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब शादी होती है ना तो वहाँ पे मौज मस्ती भी बहुत होती है, बिल्कुल वो नशे में धुत होती है और सिगरेट पीती है और चिल्लाती है और फिर वो जब उनको उनके ऊपर तो दोस्त है ना, भाई भी है दोस्त भी है, तो उनके ऊपर कोई तकलीफ भी आती है तो वो नजर उतारती है। और फिर उसमें दिखाया कि रेसिंग होती है और कोई पानी में गिर जाता है, ऐसा इसमें सब कुछ दिखाया। जो इसमें हीरोइन है दिव्या, उन्होंने लिखा है इंस्टाग्राम पे कि जो ये मूवी बन रही है ना इसमें मेरी माँ का पूरा आशीर्वाद है। पहले ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कोई भाग रहा होता, ट्रेन छूट रही होती है, फिर दूल्हा अपना सेहरा उठाता है तो कहते हैं कि लाइफ ने एक मौका दिया फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनने का। इसमें बीच में गाना भी होता है, सुंदर सुंदर लड़कियों ने आपत जो मचाई है, ऐसे इसमें गाना भी दिखाते हैं और फिर उनको मिस का अवार्ड मिलता है, वो जो पट्टा से बांधते ना मिस का उनको अवार्ड भी मिलता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है, दिव्या इतनी खूबसूरत है कि और मासूम भी, उनके चेहरे की मासूमियत देखे ना तो कोई भी फिदा हो जाता है उनके ऊपर। और उन्होंने तो यारियां मूवी बनाई है तो अच्छी है। तो इसमें दिखाया कि रेसलिंग होती है, मोटरसाइकिल वाली रेसलिंग होती है और फिर उसमें वो जाके फंस जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं आधे, मतलब एक मिनट के ट्रेलर में बहुत खुशी होती है और जब दूसरा मिनट आता है ट्रेलर है तो 1:11 तक इसमें बहुत अच्छा दिखाया जाता है, पर 1:11 के बाद में इसमें सब सैड दिखाया जाता है, सब रो रहे होते हैं, वो कब्रिस्तान में होते हैं ना और उनको उनके सर पे हाथ धर के दूर चले जाते हैं और जितने भी उनके दोस्त दिखाए जाते हैं, भाई दिखाए जाते हैं, कजिन भाई, तो पहले एक की फोटो आती तो वो रो रहे थे, फिर दूसरे की आती वो भी रो रहे थे, तीसरे की आती वो भी रो रहे थे और फिर वो आंसू पोंछ के एक्टिंग भी करते हैं और आंसू पोंछ के बात भी करते हैं। तो ये सुख और दुख दोनों मिला के ही यारियां मूवी बनी है, क्योंकि अगर सब में कॉमेडी ही बनी रहेगी तो रिश्तों का एहसास कैसे होगा। ये यारियां जो मूवी है ना, हमें जहाँ तक लग रहा है ये रिश्तों का एहसास दिलाएगी, फीलिंग दिखाएगी इसमें कि फीलिंग कैसे जुड़ जाती है, कहते ना एक मौका मिला है बेस्ट फ्रेंड बनने का। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। रिएक्शन वाज एलियन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए, फिर हम कहते हैं कमेंट जरूर से जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यारियां मूवी का ट्रेलर देखिए और 20 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।